आज हम बात करेंगे मार्केट में उपलब्ध टॉप 5 आयुर्वेदिक हेयर ऑयल्स के बारे में। ध्यान रहे, बताए जा रहे तेल शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि है, इसमें मिनरल ऑयल या प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। यह हेयर ऑयल आपको 100 ml की क्वांटिटी 100 से 300 रुपए की रेंज में आयुर्वेदिक फार्मेसी या ऑनलाइन दोनों जगह पर मिल जाएंगे। बताए गए ऑयल्स मैं सालों से अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर रहा हूँ और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। नंबर 1 पर आता है वैद्य रत्नम औषधशाला केरला का दारुणक तेल। इसकी 100 ml की बोतल आपको 90 रुपए में मिल जाएगी। इसका बेस कोकोनट ऑयल है और इसमें नीम, गिलोय, पटोल, कसन, तुलसी आदि 35 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनता है। इससे स्काल्प की हेल्थ अच्छी होती है, डैंड्रफ ठीक होता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है। इसे सप्ताह में 2 बार नहाने से 15 मिनट पहले बालों की जड़ों में स्काल्प पर लगाएं और 15 मिनट बाद नहाते समय आयुर्वेदिक शैम्पू, शिकाकाई या मुलगादी चूर्ण से हेयर वॉश करना है। नंबर 2 पर महाभृंगराज तेल। बैद्यनाथ कंपनी का यह आयुर्वेदिक तेल आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु को पढ़कर बनाया गया है और पूरे भारत में भरपूर मात्रा में बिकता है। 50 ml की बॉटल आपको 93 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसे सप्ताह में 2 से 3 बार रात को सोते समय बालों में, जड़ों में हल्की मालिश करके लगाएं। दूसरे दिन शैम्पू या शिकाकाई से बाल धो लें। इसके प्रयोग से बाल झड़ना तुरंत बंद हो जाता है, नए बाल आते हैं। जो लेडीज़ अपने बालों को लंबा घना करना चाहती है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। महाभृंगराज तेल के बाद आता है नीली भृंगराज तेल। 3rd नंबर का नीली भृंगराज तेल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके बाल 35 वर्ष के एज के पहले सफ़ेद हो रहे हो और साथ में झड़ भी रहे हो। सहस्त्र योग नाम के ग्रंथ को पढ़कर बनाया गया यह तेल तिल के तेल के बेस में नीली भृंगराज, आंवला, दूध, नारियल का दूध, ज्येष्ठमध, गुंजा इन वनस्पतियों को पकाकर बनाया जाता है। इनकी 100 ml की बोतल 180 रुपये तक आ जाती है। इसे सप्ताह में 2 बार रात में सोने से पहले बालों में लगाएं और दूसरे दिन आयुर्वेदिक शैम्पू या शिकाकाई से बालों को धो लें। 4th नंबर पर आता है ब्राह्मी तेलम। जिन्हें मानसिक तनाव, सरदर्द, बाल झड़ना, रात में नींद ना आना या सिंपल हेड मसाज करना हो वह यह तेल यूज़ कर सकते हैं। 100 ml की बोतल आपको 135 रुपीज़ तक मिल जाएगी। सप्ताह में 2 बार सोने से पहले बालों में इसे हल्की मसाज करके लगाएं और दूसरे दिन शिकाकाई या आयुर्वेदिक शैम्पू से बालों को धो लें। नारियल का तेल ड्राई, डैमेज और डल हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल ड्राई हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। बादाम का तेल जिन्हें डैंड्रफ हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगली बार आप जब आयुर्वेदिक हेयर ऑयल खरीदें तो पहले चेक करें कि क्या उसमें मिनरल ऑयल, लाइट लिक्विड पैराफिन, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कॉस्मेटिक कलर, एल्कोहल जैसे केमिकल्स ना हो। ऐसे केमिकल्स युक्त आयुर्वेदिक हेयर ऑयल्स को अवॉइड करें, यह लॉन्ग टर्म में आपके बालों को नुकसान करते हैं। महत्वपूर्ण सूचना, वीडियो में बताए गए किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। यह 5 हेयर ऑयल्स का सिलेक्शन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के अनुभव पर आधारित है। आप नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर या हमारी हेल्पलाइन पर सलाह मशवरा करके दी गई सलाह अनुसार मात्रा, उपयोग की विधि का ध्यान रखकर इन्हें सुरक्षित यूज़ कर सकते हैं। बताए गए हेयर ऑयल्स डैंड्रफ, बाल पकना, बाल झड़ना, बाल टूटना, बाल बड़े ना होना ऐसी समस्याओं के लिए अलग अलग हेयर ऑयल्स बता रहा हूँ, तो इन्हें नंबर 1, नंबर 2 की टॉप रैंकिंग ना करें। यह सभी अलग अलग समस्याओं में अपनी जगह बेस्ट काम करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।